सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो आज बात करने वाले हैं हाल फिलहाल में लॉन्च हुई 3 अप्रैल को टोयोटा की तरफ से आने वाली अर्बन क्रूजर टेजर के बारे में, जो कि 3 अप्रैल को लॉन्च हुई है। ये जो आपका वेरिएंट है, ये है आपका S+ वेरिएंट। तो आज सारी सारी बात करेंगे कि इसमें क्या प्राइसिंग आती है, कैसे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, कितने वेरिएंट्स हैं, कैसी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल मिलती हैं, सारी सारी बात करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर वेरिएंट्स की बात करें तो ES and S+ और GV करके आपके वेरिएंट्स में अवेलेबल है। पेट्रोल और CNG दोनों में आती है। CNG जो आपका वेरिएंट है वो आपका सिर्फ बेस वेरिएंट ई में अवेलेबल होगा। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो 7.74 लाख रुपीज एक्स शोरूम से लेके 13.04 लाख रुपीज एक्स शोरूम जाता है। कलर्स की अगर बात करें तो इसमें टोटल आपको सिंगल टोन 5 कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे और 3 डुअल टोन कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। और 3 इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है टोयोटा टेजर। पेट्रोल, CNG और टर्बो पेट्रोल में ट्रांसमिशन भी आपको इसमें 3 मिलेंगे, मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन, और आपका ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आती है। अगर आप टॉर्क कन्वर्टर यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं तो आपको टॉप वेरिएंट्स लेने पड़ेंगे, जो कि आपका जी और वी टर्बो पेट्रोल इंजन में अवेलेबल है। और टोयोटा अर्बन क्रूजर टेजर के अगर S+ वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करें तो 8,99,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है। और कुछ इस तरीके से की आपको देखने के लिए मिलती है, सिंपल की मिलेगी। पीछे टोयोटा का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको 2 बटन्स मिलते हैं। और फ्रंट में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको टोयोटा सिग्नेचर ट्रैब्जोडाइल प्रीमियम फ्रंट ग्रिल देखने के लिए मिलती है। टोयोटा का लोगो है। क्रोम एक्सेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे आपको डुअल टोन बम्पर्स मिलता है। इसमें कुछ एक्सेसरीज पैक भी आते हैं। और ओवरऑल फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्रोम एलिमेंट्स भी यूज हैं फ्रंट ग्रिल में। और यहाँ पे आपका ट्विन LED DRL पर इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। DRLs आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे और इंडिकेटर्स आपको कुछ इस तरीके से मिलते हैं। और अब अगर हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सिंटिलाइटिंग LED हेडलैम्प्स फॉलो मी विद होम फंक्शन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। नीचे ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाता है। ओवरऑल जो टेजर का फ्रंट लुक है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। मारुति की फ्रॉन्क्स ही आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअल वाइपर देखने के लिए मिलेंगे एंड ओवरऑल कुछ तरीके के फिनिश है। अब अगर टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 190/60 R16 इंच के पेंटेड अलॉय व्हील्स मिलते हैं, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आपके अवेलेबल हैं। और सस्पेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे मैक पर्सन स्टट सस्पेंशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ORVMs की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल विथ इंडिकेटर के साथ आपके ORVMs वगैरह मिलते हैं। टॉप वेरिएंट में 360 कैमरा का भी फीचर है। ऊपर आपको काफ़ी हैवी रूफ रेल्स देखने के लिए मिलती हैं कार के हिसाब से। और ये सिंगल टोन वाला ऑप्शन है, वरना डुअल टोन में आपको ब्लैक रूफ आती है। और अब बात करें अगर कुछ डायमेंशंस की तो 3995 mm के आपको इसमें लेंथ मिलती है, 1765 mm की इसमें आपको विड्थ मिलेगी, और 1550 यानी 1550 mm की आपको हाइट मिलती है, और 2520 mm का आपका इसमें व्हील बेस जो है वो देखने के लिए मिलता है। और अगर आप बात करें टोयोटा टेजर के सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो इसमें आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ABS विद EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर, ऑल 3 पॉइंट सीट बेल्ट विद ELR फंक्शन, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट रिट्रेंट सिस्टम, जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। टोयोटा की कुछ कार्स में आपको अर्बन क्रूजर जो ब्रांडिंग मिलती है उसका मतलब होता है शहरी वाहन या फिर शहरी साधन आप उसे कह सकते हैं, जो कि शहर के हिसाब से कंपैटिबल है आपकी राइड को इजी और कंफर्ट वे में ड्राइव करने के लिए। मारुति सुजुकी में आने वाली फ्रॉन्क्स का ही जुड़वा भाई है टोयोटा अर्बन क्रूजर टेजर। अगर आपने अभी तक फ्रॉन्क्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगा, आप जाके वहां पे इजीली देख सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फ्रॉन्क्स और टेजर में क्या डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्राइसिंग वगैरह का भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको टोयोटा की कार में जरूर देखने के लिए मिलेगा, अगर वो मारुति के कोई जुड़वा भाई है तो। टोयोटा अपना एक जो नाम का प्रीमियम है वो जरूर ऐड करता है अपने प्राइसिंग में। तो ओवरऑल साइड से जो लुक एंड प्रोफाइल है वो कुछ तरीके की आपको देखने के लिए मिलती है। जो व्हील आर्चेस हैं वो आपको काफी ज्यादा हैवी इसमें देखने के लिए मिलेंगे, ताकि कार दूर से देखने में थोड़ी सी SUV वाला फील दे। और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, पीछे टॉर्जन बीम सस्पेंशन आपको देखने के लिए मिलते हैं, कुछ ऐसे व्हील क्लैडिंग एंड आर्चेस आपको मिलेंगे, थर्ड क्वार्टर ग्लास मिलता है। और बैक प्रोफाइल की अगर बात करें टोयोटा अर्बन क्रूजर
टेजर की तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको फ्रॉन्क्स या फिर टेजर में से कौन सा लुक बैक प्रोफाइल का ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। पीछे से ओवरऑल कुछ इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है टोयोटा अर्बन क्रूजर टेजर का। और पीछे का लाइटिंग सेटअप की बात करें तो एलईडी टेल लैंप सेटअप आपको जरूर इसमें देखने के लिए मिलेगा। इंडिकेटर्स तक आपके एलईडी में यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं कुछ इस तरीके से। काफ़ी स्लीक डिज़ाइन मिलता है लैंप्स का। यहाँ पे एस प्लस की बैजिंग मिल जाती है वेरिएंट वाइज, और यहाँ पे वर्टिकली प्लेस्ड हैं आपके रिफ्लेक्टर्स, और चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आते हैं। डुअल टोन बम्पर मिलेगा, रिवर्स कैमरा नहीं आता इस वेरिएंट में, और जो बीच का पोर्शन लाइट का होता है कनेक्टेड एलईडी लाइट का, वो आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। आप इससे अपर वेरिएंट जाएंगे तो वहाँ पे आपका अवेलेबल है। और 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। लिड आपकी अंदर से खुलेगी, बाहर से कोई ऑप्शन नहीं है। और पीछे से जो बैक प्रोफाइल है कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे आपका डिफॉगर है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और अभी टेलगेट अनलॉक करते हैं तो कुछ इतनी हाइट पे आपका टेलगेट जाता है। और अगर बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है विथ रेयर पार्शल ट्रे। आप इसे हुक कर सकते हैं, अनहुक कर सकते हैं अपने रिक्वायर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कुछ ऐसी डीप बूट स्पेस मिलता है, आप इसे उठाएंगे तो नीचे आपका स्पेयर व्हील मिल जाएगा। और 60-40 का स्प्लिट फंक्शन भी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। और जो चाइल्ड सीट के एंकर्स होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे आपका उसकी प्लेसमेंट है, हुक्स वगैरह हैं। यहाँ पे हैंगिंग हुक मिल जाते हैं दोनों साइड, लाइट्स वगैरह नहीं मिलती हैं कोई भी। और यहाँ पे आपका कार का जैक वगैरह जो है वो आ सकता है, उसके लिए जगह यहाँ पे दी हुई है विथ मार्किंग। ओवरऑल कुछ इस तरीके का पीछे का बूटन स्पेस है। यहाँ पे है एलईडी में रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के लिए लाइट। और अभी चलते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ। यहाँ पे आपको की होल मिलेगा, रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। और डोर की अगर बात करें तो इंटीरियर आपको डुअल टोन फिनिश में मिलता है, और सॉफ्ट टच फिनिश भी आपको डोर पे देखने को मिलती है, जो कि आपका डोर आर्मरेस्ट और उसके ऊपर का पार्ट आपको सॉफ्ट टच फिनिश में मिलेगा। यहाँ तक उससे ऊपर आपका हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे है डोर अनलॉक लीवर, और यहाँ पे आपके पावर विंडो कंट्रोल्स हैं। फ्रंट ड्राइवर साइड आपको पावर विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिलती है विद एंटी पिंच। और ओआरएम्स के लिए बटन्स हैं। नीचे आपका बॉटल होल्डर है, स्पीकर्स वगैरह मिलते हैं, ट्विटर्स का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सीट्स की बात करें तो डुअल टोन फिनिश में आपके सीट्स मिलती हैं, फैब्रिक अपॉजिटी के साथ आएगी। लेदर अपॉजिटी का ऑप्शन इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ आप रिक्लाइन कर सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर मिलते हैं आपको। डुअल टोन इंटीरियर के साथ आपको सीट्स भी मिलती हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है बोनट और फ्यूल लिड अनलॉक लीवर। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ऑटो स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलिंग के लिए। और जो डैशबोर्ड का लुक है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा टोयोटा अर्बन क्रूजर टेजर के एस प्लस पेट्रोल वेरिएंट का। तो अभी बैठते हैं कार के अंदर और फिर बात करते हैं आगे। अंदर बैठने के बाद आपको कुछ इस तरीके का फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है। और अब कार को ऑन कर लेते हैं, और कुछ इस तरीके का आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा। दो डायल्स मिलते हैं, लेफ्ट साइड में आपका आरपीएम मीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से आप अपना ट्रिप बी एवरेज वगैरह देख सकते हैं, और इस तरफ से आप अपना टेम्परेचर वगैरह रेंज वगैरह भी सारी चीज़ें यहाँ दिखाता रहेगा। लेफ्ट साइड में आपका फ्यूल गेज है, राइट साइड में आपका टेम्परेचर गेज मिलता है, और आउटसाइड टेम्परेचर भी बताता रहेगा। बीच में है स्टेयरिंग के टोयोटा का लोगो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स, और नीचे आपका कॉल रिलेटेड और वॉइस कमांड के बटन्स मिल जाते हैं। और स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट आएगा, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। पैडल शिफ्टर्स वगैरह जैसे हेडसअप डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी आपके आते हैं, वो टॉप वेरियंट में अवेलेबल है। यहाँ पे एसी वेंट और कुछ ऐसा ड्राइव साइड व्यू। और वैनिटी में आपको कुछ भी नहीं मिलता है ड्राइवर साइड, मैनुअल आईआरबीएम मिलेगा। और यहाँ पे दो लाइट्स येलो बल्ब के साथ, माइक मिल जाता है ऊपर। और यहाँ पे है 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आता है 4 स्पीकर के साथ। ट्विटर ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वायरलेसली आपको इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। FM, AM, ब्लूटूथ, ऑक्स, ओवर द एयर अपडेट वगैरह जैसे सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं आपके 7 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में। और टच रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो वो भी आपको ठीक ठाक इसमें देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल कुछ तरीके से आपकी फिट एंड फिनिश मिलती है। कमेंट बताइए आपको इसकी फिट एंड फिनिश कैसी लगती है। यहाँ पे है हजार्ड लैंप के बटन, एसी वेंट्स और कार्बन
फिनिश दे रखी है। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, जिसके आपके नीचे शॉर्टकट बटन्स वगैरह भी दिए हुए हैं, ऑन ऑफ करना, ऑटो पे करना, और फ्रंट एंड रियर वगैरह के एडजस्टमेंट वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। और एक टोयोटा का जो सिग्नेचर स्टाइल होता है, जो कि फॉर्चुनर से रिलेटेड होता है, वैसा लुक भी आपको टोयोटा की कार में देखने के लिए अंदर मिलता है। यहाँ पे आपको एक पावर आउटलेट मिल जाता है, एक यूएसबी पोर्ट देखने के लिए मिलेगा, और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स भी आते हैं, बट वो टॉप वेरियंट में अवेलेबल है। दो ग्लास होल्डर, कार्बन फाइबर फिनिश, और ये है इसका 5 स्पीड का मैनुअल गियर ट्रांसमिशन, जिसमें आपको AMT और टॉक कन्वर्टर जैसे ट्रांसमिशन भी मिलते हैं, बट वो वेरियंट्स पे डिपेंड करते हैं। फिलहाल ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पे हैंड ब्रेक है, आमरेस वगैरह नहीं आता इस वेरियंट में। पैसेंजर साइड वैनिटी में आपको मिरर मिल जाएगा, एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल है, सीट बेल्ट्स हैं, और यहाँ पे आपको डिसेंट स्पेस के साथ ग्लव बॉक्स मिलता है। फुटबेल पे लाइटिंग भी आपके देखने के लिए मिलेगी। ओवरऑल ड्राइवर साइड से कुछ ऐसा व्यू मिलता है। और नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन, ब्रेक, क्लच पेडल्स मिलते हैं, डेड पेडल भी अवेलेबल है। और अभी चलते हैं कार के रियर सीट में, वहाँ कैसे ऑप्शन और फीचर्स आपको अवेलेबल हैं वो बताते हैं। रियर डोर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको डोर टोन डोर देखने के लिए मिलता है। डोर पे फैब्रिक फिनिश है आर्मरेस्ट पे, और विंडो कंट्रोल्स, डोर अनलॉक लीवर, स्पीकर्स, बॉटल होल्डर, डोर टोन फैब्रिक फिनिश सीट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स हैं, 60-40 स्पीड फंक्शन आता है, जो कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और तीनों ही पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं, मिडिल पैसेंजर का भी पूरा ध्यान रखा गया है, तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और अभी बैठते हैं अंदर, और अंदर बैठने के बाद आपको पीछे स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। पीछे एसी वेंट्स इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई मैगजीन होल्डर आता है, बट पीछे आपका एक पावर आउटलेट ज़रूर मिलेगा। और टॉप वेरिएंट में इसमें आपको एसी वेंट्स भी अवेलेबल है। ऊपर आपको एक रूफ रेडिंग लैम्प मिल जाती है येलो बल्ब के साथ, एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल है दोनों तरफ, ये है हेडरेस्ट, कोई भी आमरेस्ट वगैरह नहीं आएगा। और पीछे से अगर डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आप पीछे बैठे हैं तो कुछ तरीके का डैशबोर्ड आपको एस प्लस वेरियंट का देखने के लिए मिलेगा। और अभी चलते हैं कार के बाहर और इंजन की बात करते हैं कि इसमें आपको कौन सा इंजन किस पावर फिगर के साथ आता है। सबसे पहले अनलॉक कर लेते हैं यहाँ से हुड को, और बोनट पे आपको इंसुलेशन वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, ताकि जो हीट एंड नॉइस है वो आपके कैबिन को अंदर आपके परेशान ना कर सके। इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर के सीरीज डुअल जेट डुअल वीवीटी पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 89 bhp और 113 nm का टॉर्क विद 5 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन के साथ। और यहाँ पे है आपके बैटरी कंपार्टमेंट, फ्यूज बॉक्स, और यहाँ पे इंजन अंडर प्रोटेक्शन, और यहाँ पे अपना वॉशर्स के लिए पानी वगैरह भर सकते हैं। और माइलेज की अगर बात करें 21.7 kmpl की ARAI क्लेम्ड माइलेज आपको मिलती है टोयोटा अर्बन क्रूजर के पेट्रोल वेरियंट में। तो कैसे लगी आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर का टेजर एस प्लस पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको चैनल पे सब्सक्राइब करना चाहें तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और बहुत जल्द मिलेंगे हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।